दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेंटेनी वीडियो में। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भारतीय रेलवे का सामान्यांकन जो NTPC एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। उसके बाद है, मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? इंजीनियर श्रीधरन। भारत में सर्वप्रथम रेल का प्रारंभ किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। चौथा क्वेश्चन है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? ये आपका है 63974 किलोमीटर। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। रेल मंत्रालय ने विलेन ऑन व्हील्स नाम की परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की थी? 2004 वर्ष में। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? भारतीय रेलवे का। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, भारतीय रेलवे। आठ नंबर देखिए, भारतीय रेल कितने क्षेत्र जोन में बांटी गई है? 17 जोन है। अगला क्वेश्चन है, 3 फरवरी 2025 को भारतीय रेल भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली थी। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी थी? यानी कि पूछ रहा है कि आपको 3 फरवरी 1925 में भारत की पहली बिजली ट्रेन चली थी, वह कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? वह बॉम्बे सिटी से कुर्ला की तरफ चली थी। अगला क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई थी? ये आपका है 1964। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का हेड ऑफिस कहाँ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 11वां, भारत की पहली रेल ने मुंबई और थाने के मध्य कितनी दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच विवेक एक्सप्रेस गाड़ी का नाम है, वो कितने किलोमीटर चली है? 4286 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? तो है चेन्नई और बेंगलुरु के मध्य। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? पूर्व मध्य रेलवे। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? भारतीय रेलवे। कोलकाता में भूगर्भित रेल मार्ग दमदम से टालीगंज तक लंबाई कितनी है? 16.45 किलोमीटर। देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 4256 किलोमीटर। भारतीय रेलवे की बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1905 में। 20 नंबर है, भारत का पहली रेल कहाँ चली थी? मुंबई से थाने के मध्य। 21 नंबर, सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा पुल कौन सा है? नेहरू सेतु। व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली थी? दिल्ली से बेंगलुरु। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना परसेंट भाग रेलवे का कार्यरत है? 40%। अगला है, उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस कितने दिन राजस्थान से मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच प्रारंभ हुई थी की गई थी? 12 अक्टूबर 1994। 26 नंबर क्वेश्चन है, कोयल से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कोयले होगा, तो चलने वाला सबसे पुराना इंजन का नाम क्या है? फेरी क्वीन। अगला क्वेश्चन है, भारत और एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? इसकी लंबाई इतना मीटर है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? 1800 में इंग्लैंड में। पुणे स्थित इसरसेन ISO इतना से प्रमाणित भारतीय रेलवे का प्रथम किस तरह का संस्थान था? पाकिस्तान का संस्थान। भारतीय रेल को बजट सामान्य बजट से अलग कब हुआ? 1824। भारतीय रेल द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डिजन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष कानपुर से की गई है? 2015। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूमि निर्मित मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब कहाँ हुआ था? इतना ईस्वी में कोलकाता में।
मेट्रो रेलवे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 से रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दर क्या है? 10 रुपये। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ है? 1971। अगला क्वेश्चन है, रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आगमन की सूचना देने का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 139। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? पेरम्बूर चेन्नई में। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? हुसैनपुर कपूरतला में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान स्पेस का परीक्षण 3 जुलाई इतना को किया गया था। यह ट्रेन कितने घंटे की गति से नई दिल्ली से रेलवे की आगरा खंड की मत चलाई गई थी? 160 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? 1988। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई गई है? मुंबई और अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? खड़गपुर, जो पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है, कहाँ? मेघालय में। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय का माध्यम क्या है? माल भाड़ा। अगला क्वेश्चन है, पैलेस ऑन व्हील की तर्ज पर नई रेलवे गाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, कोकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पश्चिमी घाट से। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेल सुरंग का रिकॉर्ड कोकण रेलवे को जाता है, इसकी लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? उत्तर रेलवे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन देखिए, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? इतना मीटर। रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 1925 में। अगला क्वेश्चन, विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? डंकन क्वीन। अगला क्वेश्चन है, रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ है? इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का आखिरी रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे पर कौन सा है? जहाँ से फिरोज शहर मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर है, हुसैनी वाला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? 4था स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई है? 1974 में। आज दोस्तों 60 क्वेश्चन ही आप लोग के लिए बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए शेयर करूँगा। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहें और लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू व्यूअर्स।